हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हमारे हाथ में है स्कॉर्पियन अपनी, और आज मैं रात में आपको क्यों दिखा मैं बताऊं। आज हम टेस्ट करेंगे इसकी लाइट परफॉर्मेंस टेस्ट करेंगे इसकी नाइट में कि कैसी आती है। तो एक खाली जगह ढूंढ लिया मैंने, सामने वाली गाड़ी को आने देते हैं पहले, फिर बनाते हैं अच्छे से। सो गाइस देखो, मैं खाली जगह पे रुक चुका हूँ जहाँ मैं आपको दिखा पाऊँ अच्छे से कि इसकी लाइट कैसी है। मैं सोच रहा था कि आपको थोड़ा सा ठंड का कोहरे का परफॉर्मेंस भी बता दूँ, पर ऐसा एज यूजुअल फॉग हो नहीं रहा है यहाँ पे, तो मैं सोचा खाली आपको वो दिखा देता हूँ। कैमरा में लाइट थोड़ी सी येलो टिंट में आ रही है पता नहीं क्यों, पर इसकी हेडलाइट वाइट है, जैसे सामने वाली गाड़ी की थोड़ी सी वैसी आ रही है। असलियत में ये ब्लू टिंट में है, पर इसमें पता नहीं येलोइश आ रही है, पता नहीं क्यों आ रही है। पहले मैं आपको इसकी लाइटें दिखा देता हूँ, चलो पहले अंदर से दिखाता हूँ। ये हो गई भाई इसकी जो लो बीम है, ठीक है, ये खाली इसकी लो बीम है, यहाँ से ऑटो पे कर दी। ये है इसकी हाई बीम, और ये है इसकी फॉग लाइट छोटी वाली। अब ये देखो फॉग लाइट का, भाई मैं आपको खाली फॉग लाइट का थ्रो दिखाता हूँ, ऐसा कुछ फॉग लाइट का थ्रो है। पहले इसको ऑफ कर देता हूँ, खाली फॉग लाइट का थ्रो कुछ ऐसा है। अगर मैं सारी लाइटें बंद करूँ, खाली फॉग लाइट का थ्रो ऐसा है। ये हेडलाइट, लो बीम और ये हाई बीम। इसकी हाई बीम भाई एक प्रॉब्लम थी जो कि सेट नहीं आती थी पहले से। अब मैं आपको बाहर से दिखाता हूँ एक बार इसकी लाइट। ये देखो भाई, ये इसकी लो बीम, ये फॉग लाइट है विद DRLs, और ये इसकी हाई बीम। मैं आपको हाई बीम भी दिखा देता हूँ एक बारी करके। हाई बीम का थ्रो भाई काफ़ी अच्छा है इसका, अगर स्टॉक में देखा जाए बाकी गाड़ियों के कंपैरिजन में तो काफ़ी बढ़िया हेडलाइट है इसकी। देखो कुछ ऐसी लाइट है इसकी, मैंने थंबनेल भी ले लिया एक। तो चलो अब इसको एक बार, ये खाली जगह है, रात में इसमें टेस्ट करते हैं कि कैसी लाइट परफॉर्मेंस है इसकी। चलो आ जाओ, अब वाइट दिख रही है। बताऊँ क्या प्रॉब्लम थी, इसकी फ्लैश ना थोड़ी येलो जलती है आईफोन की, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है इसमें, तो उसकी वजह से दिखा रही थी ऐसा। तो चलो पहले मैं आपको पूरी लाइट ऑफ करके दिखाता हूँ। ये खाली ऑफ है लाइट, ठीक है। ये इसके DRL जल रहे हैं, जो आपको खाली रोड पर रोशनी दिख रही है ना, इसके DRL है खाली। ये इसके हैजार्ड हो गए, इसमें सिक्वेंशियल आते हैं हैजार्ड भी, वो मैंने आपको दिखाया नहीं, कोई नहीं, आपको बाद में उतर के दिखा दूंगा। तो अभी देखते हैं खाली इसकी पहले फॉग लाइट देखते हैं। ये इसके DRL अब लो में हो गए, अब इसके करते हैं फॉग लाइट ऑन। देख लो भाई कुछ ऐसा थ्रो है, ज़्यादा नहीं है फॉग लाइट के हिसाब से भाई। अगर आपको 20 की स्पीड में चलना है फॉग में तो आप चल सकते हो इस लाइट से, इतना थ्रो है इसका बस। आपको कैमरा में भले ही ज़्यादा दिख रहा हो पर इतना नहीं है। और ये भाई जो सामने वाले हाई बीम में चलते हैं ना, इन पर बहुत गुस्सा आता है। डिफॉगर चला दिया मैंने ताकि, सॉरी डिफॉगर नहीं, सामने वाला विंडशील्ड वाला फॉगर चला दिया ताकि आपको सही दिखे। दो मिनट हो गए, मैं आपको अच्छे से दिखाता हूँ अभी। देखो ये फॉग लाइट है खाली इसका थ्रो, थोड़ी स्पीड लेते हैं। और अब मैं करता हूँ इसकी लो बीम ऑन। ये है भाई इसकी लो बीम, इसका जो एडजस्टर है हाई लाइट वाला वो इस पर एडजस्ट है मेरा जीरो पे, ठीक है। ये इसकी लो बीम हो गई, और इसकी हाई बीम है कुछ ऐसी, साइड से गाड़ी पास मांग रही है, तो चलो थोड़ी स्पीड में चलते हैं। ये लो बीम है, और इसकी हाई बीम करते ही उजाला हो जाता है, तो इसकी हाई बीम काफ़ी अच्छी है। बस एक प्रॉब्लम है कि ये सेट नहीं आई थी पहले से, तो मेरे को ये सेट करनी पड़ी थी, उसकी वजह से मेरे को थोड़ा सा एक्सपीरियंस इसका ख़राब रहा था। पर जो बाकी गाड़ियाँ हैं उनसे काफ़ी बढ़िया है इसकी हाई बीम और लो बीम तो खैर ठीक ही है, पर बाकी गाड़ी से ज़्यादा है फिर भी, और हाई बीम में इसकी मज़ा आ जाता है। देख रहे हो ये सेट करी है मैंने ऐसे हाई बीम, इसकी सेट नहीं थी। और जो स्टॉक में सेट आती हैं भाई उनसे मेरे को ये ज़्यादा लगती है, पता नहीं क्यों, बल्कि है सेम ही, लो कर देते हैं, पता नहीं क्या है। ये XUV की भी काफ़ी बढ़िया लाइट है भाई, अगर आप देखोगे इसकी तो अब मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं पता लगी कि ऐसे सेट नहीं आती है, ये सेट ही आती है XUV की। पर स्कॉर्पियन में ये प्रॉब्लम आ रही है आजकल कि लाइट सेट नहीं आती है पहले से, पता नहीं क्या है, ये फैक्ट्री से सेट होके नहीं आती, क्यों नहीं आती। ये इसका भाई खाली रोड पर रिस्पॉन्स हो गया, देख रहे हो आप, ऐसा लग रहा है कि बाहर से ही लाइटें लगवा रखी हैं, इतनी सही लाइट है इसकी स्टॉक में। मेरे एक वरना की डिलीवरी हुई है भाई, अभी आपने ब्लॉग देखा होगा, अभी इसको ओनरशिप रिव्यू आएगा तब आपके उसका लाइट का रिस्पॉन्स देखना भाई, बिल्कुल नहीं है उसका लाइट का रिस्पॉन्स। चलो उसकी बात तो नहीं करते इस वीडियो में, पर उनके कंपैरिजन इतनी बढ़िया लाइट है इसकी, मज़ा आ जाता है। अब मैं आपको थोड़ा सा सिटी का दिखाता हूँ कि जब जहाँ जाम वाम होता है वहाँ पर कितनी लाइट है इसकी, खाली रोड पर हर गाड़ी की ज़्यादा ही लगती है, उसकी दिखाता हूँ मैं आपको एक बार सिटी में कैसे परफॉर्मेंस है इसकी। ये आप हाईवे समझ लो, एक तरीके से हाईवे पे ऐसा परफॉर्मेंस है, बस ये थोड़ा सा छोटा है, 2 लेन है ये आपका। अगर नॉर्मल स्टेट टू स्टेट जाते हो आप छोटी, उसमें उत्तर प्रदेश में खास करके, तो उसमें ऐसी वो होते हैं हाईवे, बस 2 लेन होती है। तो चलो मैं आपको उसका दिखाता हूँ थोड़ा मार्केट टाइप के एरिया में कि कैसा आता है। देखो बिल्कुल ऑफ पड़ी है इसकी लाइट है। अब मैं जलाऊंगा खाली इसकी लो बीम,
ठीक है, ये लो बीम हो गई इसकी। अब जलाऊंगा इसकी फॉग लाइट, ये फॉग लाइट हो गई, देखा जल गई। अब करते हैं इसकी हाई बीम, जो सबसे पावरफुल लाइट है इसकी गाड़ी में वो है सिर्फ हाई बीम और लो बीम, मतलब दोनों ही पावरफुल है। इसका मतलब फॉग लाइट इसकी कमजोर है, और जिसकी रियल लाइट है वो भी काफी बढ़िया है। कुछ लोगों को बैक से पसंद नहीं आती, पर मैं आपको अभी इसको रोक के दिखाऊंगा एक जगह पे। चलो मेरे पे एक फोटो भी पड़ी है, कि मैंने इसमें रिफ्लेक्टर चेंज करवा रखे हैं नीचे, पर उससे थोड़ी सी लुक इनहेंस तो होती है। पर अगर आप इसकी ऊपर की टेल लाइट देखोगे ना खाली, तो वो भी काफी बढ़िया है। चलो अब थोड़ा सा और रिस्पॉन्स दिखाता हूँ आपको ऐसी जगह पे, मतलब ऐसा नहीं लगेगा आपको, थोड़ी समी है बस। हाईवे पे अगर ज्यादा अंधेरा है तो इसकी लाइट जो मैंने बताया आपको सेट नहीं थी, अगर कंपनी की तरफ से सेट होती तो अलग बात है भाई, उसमें तो काफी बढ़िया रहता ही है। पर मैं आपको वैसे बता रहा हूँ जो मैंने सेट करी उसके हिसाब से थोड़ी सी अभी भी कम सेट है, वो मेरे को देखना पड़ेगा। अभी भी थोड़ी सी राइट लेफ्ट भागती है, जो हमारी राइट वाली है वो थोड़ी लेफ्ट साइड की तरफ टिल्टेड है थोड़ी सी अभी भी, तो उसको सेट करना पड़ेगा, बाकी तो बढ़िया है। और भाई लो बीम पे चला लेते हैं सिटी में, भाई हाई बीम पे नहीं चलाना चाहिए, यही एडवाइस मिलती है। देखो फॉर्च्यून की लाइट भी काफ़ी तेज है, ये लेजेंडर है शायद आगे, और ये हाई बीम पे चला रहे हैं, चलानी नहीं चाहिए यार, लोग समझते नहीं है, लेकिन लाइट कम लगती है, हाई बीम कर लेते हैं। चलो गाइज, मैं आपको ये बता रहा था कि इसकी लाइट ठीक है सिटी विटी के हिसाब से हाईवे पे, और रात में अगर आपको लो स्पीड में चलना है तब भी काफ़ी बढ़िया है। जो स्टॉक में इसकी लाइटें हैं ठीक है, मतलब कोई शिकायत नहीं कर सकते बाकी गाड़ियों के कंपैरिजन में। इतने में भाई हुंडई क्रेटा और एल्केजार की अगर आप लाइट देख लोगे ना, आप इसके फ़ैन हो जाओगे। तो गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आपसे मिलता है ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन के लिए बाय बाय।